वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने 12 न्यूमेरिकल देख लिए थे, ठीक है, उसी के आगे आज हम लोग इसको जारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए, ठीक है। यानी कि हमें कन्वर्जन करना है, साइन ए का एक फार्मूला निकालना है जिसमें हमारा कॉट ए होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से sec a का फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें हमारा cot a हो, इसी तरह से tan a का फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें हमारा cot a हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एक चीज यहाँ पर पहले से पता होगी कि tan a और cot a में जो रिलेशन होता है, भाई भाई वाला बताया था मैंने लास्ट में, ये क्या होता है हमारा कि tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a, ठीक है। आई थिंक विजिबल होगा आप लोगों को, रेड से लिख रहा हूं, अगर विजिबल ना हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको रेड से नहीं लिखूंगा, ठीक है। अभी देखिए यहां पर sec a की बात करते हैं, ठीक है। तो sec का हमारा tan से एक रिलेशन होता है, आप लोगों को पता होगा क्या होता है वो, sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपने tan लिखा हुआ है 1 अपॉन cot, यहां पर पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन cot a, ठीक है। इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर नीचे अप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होल अपॉन कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये इस तरह से आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है और जो पूछा वहां sec है, तो ये स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो क्या आ जाएगा हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे, ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप, तो ये हो जाएगा हमारा cot sec a इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर दिस। अब देखिए यहाँ पर ये अंडर रूट लगा है, ये cot है स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cot a, अंडर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा sec a का फॉर्मूला। साइन के लिए करते हैं हम लोग यहां पर, तो साइन के लिए देखिए एक फार्मूला होता है हमारे पास cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। ये फार्मूला होता है और हमको यहां पर एक चीज और पता होती है कि cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a, ठीक है। तो ये यहां पर हम पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ साइन हमारा अपॉन में है, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, साइन ऊपर चला जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहां पर देखिए साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा यहां पर अंडर रूट, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ये अंडर रूट सिर्फ किस पे अप्लाई हो जाएगा, इस पे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारी आ जाएगी साइन ए की वैल्यू इन द टर्म ऑफ कॉट ए, या कॉट ए के पदों में हमारी आ जाएगी वैल्यू, तो इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आप लोग सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसका लेफ्ट साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लीजिए क्या है, 1 प्लस टेन ए प्लस sec ए इन ब्रैकेट 1 प्लस cot ए माइनस cosec ए, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 2, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल, यहां पर हमें क्या करना है, tan को sec को cot को cosec को सबको कन्वर्ट कर लीजिए इन द टर्म ऑफ sin एंड cos, जैसे कन्वर्जन हो। यहां पर ये क्या हो जाएगा मेरा sin a अपॉन cos a, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन cos a, ठीक है। यहां पर दे लीजिए 1 प्लस, ये हो जाएगा मेरा cos a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a, ठीक है।
एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा यहां पर, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस प्लस वन अपॉन कॉस ए। यहां पर देखिए साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन अपॉन साइन ए, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये हमारा कॉस ए साइन ए और ये प्लस में है वन, कॉस ए साइन ए और यहां पर है माइनस में वन। अगर आप इस पूरे टर्म को एक साथ देखें, इस पूरे टर्म को एज ए माने तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इसका होल स्क्वायर यहां पर ओपन करते हैं, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस में वन स्क्वायर का होता है स्क्वायर वन, अपॉन में है मेरा साइन ए इंटू में है कॉस ए, ठीक है। ये टर्म आ जाएगा मेरे सामने। अब देखिए यहां पर कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये होता है वन, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इसके आगे देखिए इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, ये हमारा वन हो जाएगा, ठीक है। प्लस में साथ में क्या है टू साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस का क्या है यहां पर वन और अपॉन में क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये वन माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारा बचेगा टू इंटू दिस, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस, बच क्या रहा है हमारे पास टू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। नोट कर लीजिएगा पूरा, देखिए साथ साथ नोट करते जाइएगा या वीडियो को पॉज करके आप वहां पर नोट कर सकते हैं, पीछे जाकर के इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पर नोट करने का तो पीछे जाकर के नोट कर सकते हैं आप लोग। सामने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पर। sec a प्लस tan a इन ब्रैकेट वन माइनस साइन ए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करिए आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए, बहुत जल्दी सॉल्व होता है वो, ठीक है। कन्वर्ट कर लीजिए इस वाले टर्म को, क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए वन माइनस साइन ए, ठीक है। कॉस देखिए दोनों में यहां एलसीएम में कॉस आ जाएगा, ठीक आ जाएगा वन अपॉन कॉस ए हमारा बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा वन प्लस साइन ए और ये हो जाएगा वन माइनस साइन ए। अब देखिए यहां पर ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा बन रहा है कुछ, फिर से यहां फॉर्मूला लग जाएगा क्या, एक ब्रैकेट में हमारा सॉरी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहां पर क्या हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, वन का स्क्वायर वन ही होता है तो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है पता होगा आप लोगों को, कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा ये कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड प्रूफ। नोट कर लीजिएगा इसको, देखिए आप सामने यहां क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे वन मान लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वन नीचे मानने से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहां पर देखिए वन को क्या लिखना है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा यहां पर है। तो देखिए यहां पर वन, यहां हमारा एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से अगर आप वन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, वन बराबर आ जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू यहां पर हम उठा के पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर
होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहां पर, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये वाला टर्म ये स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, बचेगा वन टाइम। अब ऊपर से क्या करिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए साइन कॉस में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, वन अपॉन में ये साइन थीटा यहां बाहर आ जाएगा, यहां बाहर आ जाएगा, तो यहां से साइन थीटा हमारा बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर वन अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली यहां से भी हमारा साइन थीटा कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे क्या वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, जो कि हमको लाना था। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बार बस सही से, क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, अभी आपका राइट हैंड साइड प्रूफ, नोट कर लीजिएगा। जो स्टेप देखिए यहां पर मैं बताता हूं, उनको आप पीछे से एक बार बैक करके फिर से रिकॉर्ड जा करके पीछे वीडियो में आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए नीचे, वन प्लस साइन ए इंटू में यहां पर हमारा कॉस ए, ये वाला टर्म इससे ये हो जाएगा ऊपर कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कॉस गया, ये वाला टर्म आ जाएगा यहां पर, हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस वन का स्क्वायर वन होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस का टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये हमारा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे वन, तो क्या हो जाएगा वन प्लस वन प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू में हमारा है कॉस ए, वन एंड वन टू हो जाएगा और टू कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहां से हमारा टू ब्रैकेट में आएगा वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, क्या किया है यहां पर वन वन टू हो गया, टू को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा ये बचा है। ठीक है, अब यहां से देखिए ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या टू अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा मेरा टू अपॉन कॉस ए, और वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड प्रूफ, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर आप लोग सभी सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ले लेते हैं यहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है यहां पर टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए साइन कॉस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
upon sin theta whole upon 1 minus sin theta upon cos theta. ठीक है, नीचे एलसीएम लेकर सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा यहां पर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, नीचे लिख दे रहा हूं यहां पर कॉस थीटा इन ब्रैकेट, यहां पर साइन हमारा इस जगह आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ठीक है, इसके अपॉन में क्या आ रहा है यहां पर, साइन थीटा. ठीक है, यहां पर कर लीजिए सेम चीज, हो जाएगा मेरा कॉस थीटा, ये साइन हमारा नीचे आ जाएगा यहां पर साइन थीटा, ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे हमारा कॉस आ रहा है सबसे. ठीक है, इसका देखिए कॉस हमारा नीचे है, ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, यहां पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. इसी तरह से साइन हमारा नीचे है, ये साइन कहां चला जाएगा, ऊपर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या करिए इस वाले टर्म से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और ये जो है प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस कॉमन लिया वो माइनस आएगा यहां पर, और यहां ना दिखा कर उस माइनस कहां दिखाएंगे हम, यहां पर. ठीक है, समझ में आ गया, माइनस कॉमन लिया मैंने यहां पर, क्यों किया है, ताकि इसका ये जो है ये वाला पार्ट हमारा सेम हो जाएगा. ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा सेम हो जाएगा इसका. इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहां पर फिर से एलसीएम लेना है पूरे पार्ट का. ठीक है, तो चलिए इसको आगे करते हैं. देखिए यहां पर इसको आगे यहां एलसीएम लेंगे आप, तो क्या आएगा एलसीएम में, देखिएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू में ये आएगा मेरा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा. ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा हमारा. अब इसमें देखिए, इससे आप डिवाइड करेंगे तो कॉस और ये स्टैंड होकर के साइन वाला जो पार्ट है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑलरेडी था तो क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस लगा है बीच में, सिमिलरली साइन और ये, साइन और ये होल्ड कौन करेगा कॉस, कॉस को मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा. ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब यहां पर इसके आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं नीचे वाले पार्ट को, यहां पर देखिए तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, हमारे केस में साइन और कॉस है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, और प्लस ए बी. ठीक है, फार्मूला आपको याद होने चाहिए. तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, और साथ में यहां पर हमारे पास प्लस का ए बी, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमारा आ जाएगा ऊपर के केस में, और नीचे वाला जो था वो उसको ऐसे लिख दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ठीक है, अब ये वाला पोर्शन हमारा इससे डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा. ठीक, इसके बाद देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, ये हमारा वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, क्या हो जाएगा ये वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और होल अपॉन में है साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, अब ये एक बार वन के नीचे जाएगा और एक बार इस पूरे टर्म के नीचे जाएगा, तो देखिए जो वन के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा. ये हमारे कैंसिल आउट हो गए, हो जाएंगे क्या वन, और वन अपॉन साइन होता है हमारा कॉसेक और वन अपॉन कॉस होता है, तो क्या हो जाएगा ये आगे देख लीजिए, रफ कर रहा हूं मैं, वन अपॉन साइन इंटू वन अपॉन कॉस प्लस में वन, ये हो जाएगा मेरा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन, या इसी को हम लिख सकते हैं जो हमें प्रूफ करना है, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा.
बराबर राइट हैंड साइड, प्रूफ। देखिए काफी बड़े बड़े सवाल हैं तो इनको नोट करते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है, समझते हुए चलिएगा। काफी बड़े बड़े सवाल हैं तो मेरा बोर्ड में थोड़ी ये प्रॉब्लम है कि छोटा है तो बारह मुझे रफ करना पड़ता है, ठीक है, तो नोट करते जाइएगा, ठीक है, वीडियो बैक करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होते हैं, आप इस क्वेश्चन को कहीं से भी कर सकते हैं, एक साइड से दूसरी साइड स्टार्ट करके भी एंड कर सकते हैं, या दूसरी साइड से इस साइड में स्टार्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़ा इसको सॉल्व करें, थोड़ा इसको सॉल्व करें, तीन तरीके होते हैं प्रूफ करने के, ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम, मैं इसको ऐसे ही चलता हूँ जैसे चल रहा था, इसी साइड से करता हूँ, ठीक है, तो चलिए इसको इसी साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन प्लस sec a अपॉन sec a, ठीक है। अब ऊपर वाले से क्या कर रहा हूं मैं, sec a कॉमन लूंगा, ठीक है, ये चीज मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक चीज मैथ्स में समझ में आ जाए कि कॉमन लेते हैं तो कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा यहां पर, sec a ऊपर से मैं जब कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो sec a कॉमन ले रहे हैं, बट sec a आप देखेंगे यहां पर है, यहां पर नहीं है। एक्चुअली कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है उस चीज को वहां से निकालना या उस चीज से डिवाइड देना, ठीक है। तो जैसे यहां पर मैं sec a निकालता हूं तो मैं sec a से डिवाइड देता हूं यहां पर, तो sec a से sec a डिवाइड होता है तो क्या बचता है, वन। सिमिलरली यहां पर भी sec a होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ वन अपॉन sec a हो जाएगा। जब कभी भी कॉमन लेते हैं तो दैट मीन्स हम उस चीज से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप sec a को डिवाइड करेंगे तो यहां पर तो आपके सामने क्या बचेगा, यहाँ पर तो sec a अपॉन sec a वन हो जाएगा, लेकिन यहां से आपके पास sec a नहीं है तो यहां पर डिवाइड करेंगे sec a से, तो वन अपॉन sec a ही बचेगा। ये चीज इसलिए बताइए क्योंकि बहुत से बच्चों को कॉमन का मतलब समझ में नहीं आता कि कॉमन निकाल लिया, यहां तो दिख रहा था लेकिन यहां दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने ये चीज बताई यहां पर कि sec a आप मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। sec a है, इसको sec a जब कॉमन लेते हैं तो दोनों ही टर्म्स में sec a से डिवाइड करते हैं, यहां पर डिविजन नहीं हो सकता, यहाँ पर डिवीजन पॉसिबल है, आ जाएगा वन। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा sec a और sec a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वन अपॉन sec हमारा cos होता है, तो क्या हो जाएगा ये वन प्लस cos a, इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आप यहाँ आंसर पे थोड़ा ध्यान देंगे तो वन माइनस cos a अपॉन में है, तो इसका मैं क्या करूंगा, इस पूरे में परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वन माइनस cos a का मल्टीप्लाई करिए और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड दीजिए, इसको डिवाइड वाला बचा के रखिए क्योंकि आपको प्रूफ में चाहिए। और यहां पर ये देखिए एक ब्रैकेट में प्लस में है, एक ब्रैकेट में माइनस में, a प्लस b और a माइनस b, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में हमारा जो है उसको वैसे का वैसा रख लीजिए, ठीक है। स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर a, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस कॉस ए, और ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला सारे याद होने चाहिए क्योंकि बिना फार्मूले के कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, cos a माइनस साइन ए प्लस वन होल अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस वन, ठीक है। अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे मैंने कॉमन लेना आप लोगों को सिखाया था कि कॉमन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो जस्ट यहां पर मैं जो करूंगा आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहा हूं। यहां से मैं ऊपर से साइन a कॉमन ले रहा हूं, साइन ए कॉमन लिया है, जहां है वहां से तो चला जाएगा, जहां नहीं है वहां क्या होगा, डिवाइड, यानी कि कॉस ए, यहां साइन नहीं था, अपॉन में आ जाएगा साइन ए, यहां था यहां से चला गया, बचा क्या वन, यहां नहीं है यहां डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। नीचे से भी साइन ए कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस वन माइनस वन अपॉन साइन ए, ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा।
कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट हो जाएगा मेरा, कॉट ए माइनस वन प्लस का कॉसेक, वन अपॉन साइन हमारा कॉसेक होता है, ये हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करिए, वन को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा यहां पर, इस वन को माइनस वन को मैं यहां पर लिख ले रहा हूं लास्ट में। ठीक है, सिमिलरली यहां पर प्लस वन को यहां पर लास्ट में लिख ले रहा हूं। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि जो वन दिया हुआ है ये वाला वन, ठीक है, इस वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक सवाल आपने और देखा था वहां पर मैंने वन की वैल्यू निकाली थी, तो सिमिलरली यहां पर भी वन की वैल्यू निकालेंगे। क्या थी हमारी, पिछले में आई थी आपके सामने, फिर से दिखा दे रहा हूं, वन इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ये वैल्यू आई थी आपको याद हो। देखिए वन की वैल्यू तीन फार्मूले आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, बट हमें यहां पर जिसकी जरूरत है वो है ये वाला वन, तो वन की जगह ये रिप्लेस कर दीजिए, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, वन की जगह ये पुट कर दीजिए, ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ आगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस का वन। ठीक है, इतना नोट कर लिया। इसके आगे करना है, चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूं इधर वाला पोर्शन ताकि जगह बन जाए। ठीक है, देखिएगा इसको, देखिए यहां पर क्या है कि ये वाला पार्ट हमारा ऐसे ही है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी इसको हम एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करके रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा आएगा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। ठीक है, और होल अपॉन में क्या था हमारा, होल अपॉन में जो था उसको ऐसे लिख लीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक सॉरी माइनस है माइनस कॉसेक ए और प्लस का वन। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके सामने ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहां पर भी है, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए और यहां पर भी है, इसको कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहां पर, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये मेरा कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसको बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, यहां पर वन आ जाएगा, वन माइनस इन ब्रैकेट, यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, दो दो ब्रैकेट आ रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। ठीक है, इसको माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये अगला स्टेप है, देख लीजिए यहां पर, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको अंदर भेजते हैं वन को, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस का कॉट ए, अपॉन में ये लिखा हुआ है, वन को पहले लिख ले रहा हूं, वन माइनस कॉट ए, उल्टा करके लिख दे रहा हूं, एक जैसा दिखे इसलिए यहां पर लिख दिया है। अब ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। देखिए बिना मतलब के स्टेप बढ़ाने के नंबर नहीं मिलते हैं, जितने स्टेप जरूरी है वही के नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये कट गया हमारा, ये बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको यहां पर नीचे लिख लीजिए, और प्रूफ हो गया है आपका जो प्रूफ करना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया जो प्रूफ करना था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए यहां पर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है 21। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, यहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर से देखिए यहां पर साइन कॉमन है,
साइन कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले में कॉस कॉमन है, कॉस कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, देखिए यहां पर अगर मैं इसको, ये इलेवेंथ क्लास का क्वेश्चन होता तो इसको अलग तरीके से करते, अरे टेंथ क्लास का क्वेश्चन है तो इसको अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको टेंथ के हिसाब से कर रहा हूं, फिर उधर साइड पे मैं इलेवेंथ के हिसाब से इसको बताता हूं। तो टेंथ के हिसाब से इसको कैसे करते हैं कि अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की टर्म्स चेंज करेंगे इन द टर्म ऑफ कॉस, तो क्या हो जाएगा हमारा, वन माइनस टू और इन ब्रैकेट में आएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर चेंज करेंगे हल्का सा, और ये जैसा था वैसा ही बना रहेगा, नीचे में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, और ये टू हमारा अंदर जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहां साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, इसके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, टू का मल्टीप्लाई यहां पर टू हो जाएगा, और यहां पर टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन माइनस टू, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस का टू कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आएगा यहां पर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, वन में से यहां पर टू जाएगा, ये माइनस का वन बचेगा। ठीक है, तो माइनस का वन प्लस का ये, अब ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या आपका 10, जो प्रूफ करना था। ये हमारा हाई स्कूल का तरीका है। ठीक है, लेकिन इसी को अगर हम करेंगे किससे, 11th से, तो यहाँ पर 11th में क्या होता है कि 11th का तरीका यहाँ पर देख लीजिए, 11th क्लास के हिसाब से यहाँ पर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉस टू थीटा का, यहाँ कॉस टू थीटा का ये भी फार्मूला है और ये भी कॉस टू थीटा का फार्मूला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन थीटा इंटू कॉस टू थीटा का, ये डायरेक्ट फार्मूला है और नीचे भी कॉस टू थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, अगर आप 11th क्लास के हैं तो उस हिसाब से करिएगा, 10th के हिसाब से है तो 10th में इस तरह का मेथड यूज किया था, क्योंकि 10th में ये वाला फार्मूला इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, तो जो फार्मूला आपको पढ़ाया ही नहीं गया है आप उस फार्मूले को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पर आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे पहले नोट कर लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर है, प्लस में है हमारा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, दैट मीन्स यहां पर साइन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस में टू साइन ए कॉस ए के। ठीक है, यहां साथ में क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का टू कॉस ए सेक ए। ठीक है, अगली लाइन में क्या हो जाएगा, साइन ए और कॉस ए ये दोनों क्या हो जाएंगे, वन। ठीक है, और यहां पर ये जो हमारा है साइन और कॉस, ये कॉस ए आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, टू, क्यों, साइन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस ए के, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, यहां पर ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, वन बचेगा, क्या आ जाएगा यहां पर, प्लस का टू प्लस ये वाला टर्म वन प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, और ये हमारा कैंसिल हो, क्या बचेगा, वन, ये हो जाएगा प्लस का टू, दो एक तीन दो पांच छ एक सात, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे, यहां पर देखिए आप लोग सामने अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, कॉस ए के माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां पर हम लोग साइन में क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन साइन, क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए, ये हो जाएगा मेरा वन अपॉन कॉस ए माइनस का कॉस ए,
एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, अपॉन में आ जाएगा यहां पर साइन ए कॉस ए, ये साइन से साइन मल्टीप्लाई, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा मेरा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, तो यहां पर आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है साइन ए कॉस है, ठीक है, तो साइन से साइन ए कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है, बचेगा हमारा साइन ए इंटू कॉस है, इतना आ रहा है। हमें क्या चाहिए, वन अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए, ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अपॉन में वन मान लीजिए, ठीक है, अपॉन में वन मान लेंगे, और वन में अपॉन जो मानेंगे, इस बार वन की वैल्यू क्या देनी है, इस बार वन की जो वैल्यू देंगे हम लोग, वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू देंगे, ठीक है, ये वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे, तो यहां वन की जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये पूरा टर्म जो ऊपर है, एक बार इसके नीचे आएगा, सबसे नीचे आएगा ये, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, या आप एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, एक बार इसके नीचे आ जाएगा, और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और एक बार इसके नीचे आ जाएगा साइन ए कॉस ए, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहां साइन से साइन कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, और ये हमारा कॉट होता है, क्या हो जाएगा वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, राइट हैंड साइड प्रूव्ड, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। यहां पर वन की वैल्यू पे ही है ज्यादातर जो क्वेश्चन है, ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, बेहद ही आसान क्वेश्चन लिया है आखिरी में, ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं यहां पर जल्दी से। तो लेफ्ट हैंड साइड वन प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कॉट को कन्वर्ट कर लीजिए टैन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, या इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप यहां पर कॉमन ले सकते हैं, आपके पास कई तरीके हैं इसको करने के, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ऊपर से कॉमन लेता हूं, यहां से टेन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो अगर आप ऊपर से टेन स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहां पर वन है तो वन के अपॉन में क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, प्लस में यहां से टेन गायब हो जाएगा, क्या बचेगा वन अपॉन में क्या है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये क्या होता है वन अपॉन टेन कॉट होता है, हो जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या टेन स्क्वायर ए, प्रूव्ड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखिए इस तरह से यहां पर हम लोगों ने 24 क्वेश्चंस कवर किए हैं हाई स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, ये क्वेश्चन जो आज मैंने डिस्कस किए हैं 24, जिसके पहले 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो अभी आज किए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर ट्रिग्नोमेट्री में यहां पर हैंडसेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले सारे फार्मूलाज एकदम लर्न कर लीजिए, ठीक है, और इसके अलावा प्रैक्टिस ऐसे करिए कि क्वेश्चन के साथ में आप यहां फार्मूला लिखते जाएं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जो भी फार्मूलाज अलजेब्रिक हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक हैं वो सब आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको लगा लेंगे तो आपको हाई स्कूल में प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, यही क्वेश्चंस हैं जो आपके हाई स्कूल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th के लिए बेसिक क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पर बेसिक है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको कंक्लूड करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का जो अगला लेक्चर होगा वो 11th के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग एकदम लास्ट में रखेंगे, उसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।